जय हिंद टू वन एंड ऑल गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आपका द ट्यूटर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर विद एन अगेन एन इंटरेस्टिंग करंट अफेयर सेशन आइए जल्दी से ऑनलाइन जल्दी से ऑनलाइन आइए एंड डू लाइक द सेशन जो भी लोग ऑनलाइन हैं प्लीज डू लाइक द सेशन प्लीज पे करिए अपनी जल्दी से विल डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टूडे डार्क होर्स गंगाधर ही शक्तिमान है शक्तिमान ही गंगाधर है पहचान कौन डार्क होर्स गंगाधर नहीं शुभम है गंगाधर और डार्क होर्स है शक्तिमान ना भाई ये लाइक ही कर दे वही फीस है है ना फीस ये लाइक कर दिया करो वही है ठीक है जी चलिए फिर डिस्कस करते हैं क्या दिए आपने आंसर्स कुछ पूछे गए थे आपसे क्वेश्चंस कल रेमिक्स प्रो वाह क्या नाम है द बायलैटरल मेट्रिक एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया स्टार्ट पूछा था कब हुई है 2012 में स्टार्ट हुई थी और इसका जो लास्ट एडिशन था वो हुआ था 2018 में ठीक है बांग्डुंग इंडोनेशिया चलिए दी फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड बिगेन इन न्यू डेली थीम ऑपरेश द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशियटिवके अनाई कॉन्डन लेक बिल्ड ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ पांड्या एम्पायर सिक्सटीन सेंचुरी एंड लॉर्ड लैंड अराउंड इट इन अरतपत्ती मीनाक्षीपुर विलेजेस ऑफ मदुरई तमिलनाडु वर नोटिफाइड एज अडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट तो ये बायोडाइवर्टिटी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में अगर आपसे बताया गया था तो अनाई कॉन्डन लेक जो की तमिलनाडु में है वो बनाई थी किसने पांड्यन किंग्स ने बनाई थी पांड्यन एम्पायर ने और एक्सरसाइज गरुड शक्ति 2012 में स्टार्ट हुई ठीक है जी सपना थीम ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग थीम थी आई पी आर डी दो हजार बाईस ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव विच वॉज आर्टिकुलेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोर्टीन ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक ऑन फोर्थ नवंबर 2019 बिल्कुल सही है अनकोंडल एक कहां पर है ड्यूरिंग द रीन ऑफ पांड्याज सेंचुरी और तमिलनाडु में है यह पहली बार की गई 2018 में अठारह में इनॉग्रल और क्यों की जाती है इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग कॉपरेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ आर्मीज चलिए जी लेफ्टिनेंट महिमा पटेल फोर्थ एडिशन का आपसे पूछा गया था थीम ऑपरेशनलाइजिंग दी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव डू बहुत बढ़िया ढाई सौ बर्ड स्पीशीज हैं लगार एंड सिलेंडर लॉरिस जी हाँ ये सिलेंडर लॉरिस याद रख लेना है ना भाई ये सिलेंडर लॉरिस जो है याद रखना क्योंकि सिलेंडर लॉरिस क्या है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है आई की ठीक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ये एक है आपकी स्पलेंडर लॉरिस एक एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि विलुप्त प्रजाति है आकांक्षा चंद थीम है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और लेक ड्यूरिंग द रूल ऑफ पांडियाज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2012 बिल्कुल बढ़िया अपर्णा वत्स थीम थी ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव विच वॉज आर्टिकुलेटेड ठीक है भाई ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाईकोंडन लेक पांडियन किंग्स गरुड़ शक्ति 2012 हजार बारह हेल्ड इन इंडिया दो चलिए जी सेजल थीम है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव अनाइकोंडन लेक पांड्याज और गरुड़ शक्ति नवंबर 2021 कारवांग 2012 में स्टार्ट हुई थी ठीक है

बहुत बढ़िया चलिए जी अंकित सिंह ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पांड्यास किंग और 2012 ये आपके ना आंसर्स पढ़ते पढ़ते करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते मेरे भी याद हो जाते हैं क्वेश्चन है ना मेरे खुद भी याद हो जाते हैं क्वेश्चन ये ठीक है मुझे रिवाइज भी नहीं करना पड़ता इतनी बार पढ़ लेता हूँ मैं है ना चलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद और कोई है भाई क्वेश्चंस के आंसर कहा गिवन है कैन यू प्लीज टेल पीडीएफ जो है पुरानी में शायद नहीं होंगे क्वेश्चंस के आंसर बट जो लेटेस्ट पीडीएफ्स हैं उनमें विद एनोटेशन है विद एनोटेशन है. है वो पीडीएफ्स चलिए जी यूट्यूब की तरफ से ही होते हैं क्योंकि टॉप कमेंट्स होते हैं यूट्यूब उनको शो करता है सारे कमेंट्स नहीं करता चलिए जी धन्यवाद बहुत बहुत आंसर देने के लिए बहुत आभार हम आभार व्यक्त करते हुए और इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं आज की विथ सम अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स कम करंट अफेयर्स हैं केवल पांच क्वेश्चन हैं केवल पांच बट जो भी करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के ठीक है ये बात याद रखना ठीक है पता नहीं क्या आ जाए ठीक चलिए <laughs> स्टार्ट करते हैं विद अफेयर हमारा सेशन नंबर 54 26 नवंबर 2012 और इसी के साथ 26 11 की मेमोरी में थोड़ा सा कुछ पिक्स लगाई हुई ठीक है सभी को पता होगा 26 11 आज के दिन क्या हुआ था मुंबई में अटैक हुए थे ठीक है तो भाई फौज ही है ना अगर फौज ठीक है तो फौज ज्वाइन करना है तो ये सब से मोटिवेशन मिलना चाहिए ठीक है कि ताकि इंडिया में आने वाले टाइम में ये सब ना हो ठीक है ये सब न्यूज जब पढ़ो ना तो खोपड़ी में ना रोंगटे खड़े होने चाहिए ठीक है तो ये मोटिवेशन होता है ये दीज आर थिंग्स कि भाई ज्वाइन करना है और रोकना है प्रिवेंट करना है आगे ये सब ना हो ठीक है और ठोकना है आतंकवादियों को ठीक है जी ठीक तो ये ताज होटल की फोटो इसी के साथ छब्बीस ग्यारह मुंबई रिमेम्बर एंड नेवर फॉरगेट कभी नहीं भूलेंगे कोई नहीं भूलेगा ठीक है जी तो ये थे कुछ मार्टियर्स हमारे श्री हेमंत करकरे मेजर संदीप उन्नी कृष्णन श्री अशोक कामटे श्री शशांक शिंदे श्री बापू साहेब दरुदगढ़े श्री तुकाराम ओम्बले श्री विजय सालसकर और बाला साहब भोसले ठीक है तुकाराम ओमले अगर मूवी देखी है आपने देखा होगा यही थे जिन्होंने अजबल कसाब को पकड़ा था पकड़ते पकड़ते गाड़ी में ही डेथ हो गई थी इनकी मतलब इनको गोली लग गई थी ठीक है बाकी उन्नी कृष्णन एन में ये थे आपके इनके ऊपर भी मूवी आई है भाई ऐसी मूवीज देखा करो ना यार है ना उल्टी सीधी इधर उधर की मूवीज देखने से अच्छा है ऐसी मूवीज देखा करो ताकि कुछ इंस्पिरेशन मिले है ना कुछ इंस्पिरेशन मिले और कुछ सीखने को मिले और मोटिवेशन मिले जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जान लो कि काम क्या है ठीक है जो काम है वो जानना पड़ेगा तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे ठीक है मुझे पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ठीक है ऐसे ही नहीं बनते ऑफिसर ठीक है डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए ठीक है इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है रिटर्न में और एसएसबी में ठीक है ठीक भाई डोंट कम अप आई विल हैंडल इट लास्ट वर्ड हाँ मतलब लास्ट में क्या था कि बहुत ज्यादा मतलब सभी जो ऑपरेशन के कमांडर थे उन्होंने मना किया था संदीप उन्नी कृष्णन को जाने के लिए ठीक है बट वो अकेले गए थे अकेले गए थे और मारा था ठीक है भाई मेजर यस मूवी है मेजर तो जिन्होंने नहीं देखी है देखनी चाहिए बिल्कुल जरूर देखनी चाहिए ठीक है दीज आर दी पर्सन जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर सांस भी ले पा रहे हैं ना तो इन्हीं की वजह से ले पा रहे हैं ठीक है तो ये हमेशा दिमाग में और दिल में रहना चाहिए ठीक है भाई चलिए जी चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट हेडलाइंस की तरफ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हेडलाइंस में आपका ये है मोदी डोमिनेट्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स विद सेवेंटी सेवन अप्रूवल रेटिंग सर्वे ठीक है जी वर्ल्ड में फिर एक से एक बार फिर से क्या भाई अप्रूवल मिला है किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और द प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल रेटिंग स्टूडेंट सेवेंटी टू परसेंट इन जनवरी एंड इन अगस्त दिस ईयर ठीक है बाकी उसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वंस अगेन टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर्स विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ सेवेंटी सेवन परसेंट ठीक है तो नंबर वन पर सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलर लीडर जो है कौन है वो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है जी नरेंद्र मोदी बिल्कुल भाई मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो है एन्द्रे मैनुअल लोपेज ये है दूसरे नंबर पर विदीन परसेंट एंड ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज छप्पन परसेंट ठीक है तो ऐसे भी याद रख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति दोनों मौजूद हैं यहां पर सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ठीक है एंथनी अलबलीस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में क्या हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या हुआ कि भाई जो सेक्टर्स से हैं हमारे टेक्सटाइल्स लेदर है ना मशीनरी इसके बारे में जो हमारा ट्रेड है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो ड्यूटी कितनी हो जाएगी चार से पांच परसेंट से जीरो हो जाएगी इस पर शॉर्ट बनाया था अगर आपने देखा होगा शॉर्ट ठीक है काफी इंफॉर्मेटिव था वो शॉर्ट ठीक है चलिए जी तो नंबर वन पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोस्ट पॉपुलर ठीक है जी चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन टाइम एमसीक्यूज हैं पहला क्वेश्चन अगेन अब इसमें स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पांच के पांच क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप आपसे मैं बोल दूं कि इसको कम पढ़ लेना या इसको मत पढ़ना ठीक है भाई पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस डालता ही नहीं हूं चलिए जयपुर चार से सात दिसंबर 2022 तक पहली जी ट्वेंटी शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा द एम ऑफ मीटिंग इज टू फॉस्टर ग्रोथ एंड बिल्ड बोन्ड अमंग ट्वेंटी नेशन बैठक का उद्देश्य है विकास को बढ़ावा देना और 20 राष्ट्रों के बीच संबंध बनाना है बताइए जी कौन सा ऑप्शन है सही ओनली टू उदयपुर में होगी पाकिस्तान में जो चीफ बना है वो पुलवामा अटैक के टाइम पर इसी का चीफ था हाँ तो पुलवामा पुलवामा का चीफ था ना तो उसके बाद उरी उरी में जाके जो घुस के मारा ना हमने फिर और पुलवामा में जो घुस के मारा फिर वहाँ पे ठीक है अंदर जाके जो मारा था फिर पीओके में ठीक तो उसको रोक ले फिर और ऐसे और चीज भी नहीं रोक पाएगा आगे आगे ठीक है सारे फर्जी चीफ हैं सारे इन्होंने कभी वॉर जीती हो तो पता भी हो चीफ बोले इन्हें ठीक है काय के चीफ हैं पपेट हैं साले आई आई के चलिए जी बालाकोट एयर स्ट्राइक है बिल्कुल उसके पहले सेक्टर में जो अटैक हुआ था उसका बदला लिया था सर्जिकल स्ट्राइक ठीक है जी बताइए इसका आंसर यही बिल्कुल सही बोला आपने होस्ट करेगा ना कि जयपुर होस्ट करेगा उदयपुर उदयपुर होस्ट करेगा और भाई ऐसा है जो राजस्थान वाला रीजन है उदयपुर वाला रीजन है उसमें हमारा इंडियन कल्चर इंडियन कल्चर विद पेंटिंग्स जो वहां पर पेंटिंग्स हैं ठीक है और उसके अलावा जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं पुराने किले वगैरह हैं और एंशंट साइट्स हैं वहां पर उन सबको दिखाया जाएगा वर्ल्ड लीडर्स को ठीक है बेसिकली इंडिया के कल्चर का प्रमोशन होगा एक तरह से ठीक है तो पहली जो जी ट्वेंटी मीटिंग है वो कहां पर होगी वो होगी आपकी उदयपुर राजस्थान के अंदर ठीक है और ये बिल्कुल सही है एम है इसका टू फॉस्टर ग्रोथ एंड बिल्ड बॉन्ड्स अमंग्स दी ट्वेंटी नेशंस ठीक है जी बीस देश जो हैं या फिर बीस मेंबर कह लीजिए उनके बीच में क्या विकास को बढ़ावा देना और उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ये मीटिंग की गई है ठीक है भाई होस्ट करेगा कौन उदयपुर इसी के साथ आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगी कहाँ पर बेंगलुरु में बेंगलुरु में भी आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ट्वेंटी की दो मीटिंग्स होंगी आपकी कर्नाटका में जी ट्वेंटी की दो मीटिंग्स का वेन्यू रहेगा कर्नाटका और हो सकता है दोनों की दोनों हों आपकी कहां पर बेंगलुरु में ठीक है जी इसी के साथ इसमें एक वर्ड मेंशन हुआ जी ट्वेंटी शेरपा शेरपा क्या होता है किसी भी एक कंटेन्जेंट का हेड होता है जैसे हमारे यहां पर प्रेसिडेंटशिप किसके पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है चेयरमैनशिप ऑफ जी ट्वेंटी बट शेरपा जो कि एड्रेस करते हैं बैठक को ठीक है शेरपा कौन बताएगा कि भाई जी ट्वेंटी के शेरपा कौन है जी ट्वेंटी इंडियन शेरपा बताइए जल्दी से कौन है इंडिया की साइड से जी ट्वेंटी के शेरपा बताइए जी मुखिया अमिताभ कांत बलराम चौधरी साकेत प्रसाद गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी और कोई नहीं जी ना मोदी नहीं है कौन है फॉरमर नीति आयोग के सीईओ फॉरमर सीईओ ऑफ नीति आयोग जिनका नाम है क्या जिनका नाम है अमिताभ कांत अमिताभ कांत तो अमिताभ कांत होंगे भारत की साइड से शेरपा ठीक है जी चलिए तो आंसर हो गया इसका क्योंकि जयपुर की जगह नहीं जयपुर में नहीं होगी कहां होगी उदयपुर में होगी ये मीटिंग ठीक है तो जल्दी से कीजिए नोट ठीक है भाई अमिताभ कांत ने बैठक की थी हाँ भाई ठीक है चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको इसमें से नोट करना चाहते हैं आप फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से फटाफट से कीजिए नोट नोट कीजिए एंड गिव मी अ थम्स अप इन दी कमेंट बॉक्स ताकि हम आगे बढ़ सके हाँ जी चलिए गुड गुड मॉर्निंग शनि यादव क्या नाम रखा है भाई शनि शनि देव कृपा बनाए रखें चलिए जी आगे अगला क्वेश्चन है पहले तो ये देख लो ब्यूटीफुल उदयपुर इज ग्रीनिंग अप फॉर द फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग ठीक है भाई तो चार से सात दिसंबर तक ये चलेगी मीटिंग और पहली जी ट्वेंटी मीटिंग है ठीक है तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके आपके एग्जाम्स तक पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू जी जी ट्वेंटी ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बता सकता है कोई क्या है ये शिप्स हैं कौन कौन से शिप्स हैं और किस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं कैन एनी टेल बता सकता है कोई हाँ जी कोई बताएगा किस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर तर्कश भाई पहली बात तो क्या है नेवी की बात हो रही है तो एक नेवल एक्सरसाइज है कौन सी है कोई बता सकता है एनी नेवल एक्सरसाइज आई सुनन्या आई तर्कश नहीं जी ना तर्कश है ना सुनन्या है ना तर्कश है ना सुनन्या है बताऊंगा पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है चलिए जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन आईएनएस तलवार एंड आईएनएस तर्कश पार्टिसिपेटेड इन द 13थ एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज نسیم البہر आईएनएस तलवार और आईएनएस तर्कश ने द्विपक्षीय अभ्यास نسیم البہر के 13वें संस्करण में भाग लिया نسیم البہر इज अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई नसीम अल बहर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है हाँ जी बताइए जल्दी से इसका आंसर जल्दी से दीजिए इसका आंसर फटाफट स्कैम है या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा पहले इसका आंसर दीजिए भाई साहब ओनली टू नहीं मालूम है ओनली टू चलिए जी तो पहली बात करें अगर इसकी <coughs> चलिए जी इसकी बात करते हैं ना तो आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया ना आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट किया ठीक है जी किसने पार्टिसिपेट किया है भारत की साइड से आईएनएस त्रिकंड आईएनएस त्रिकंड जो कि क्या है आपका गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है आई एन एस त्रिकंड क्या है गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर और इसके साथ किसने पार्टिसिपेट किया आई एन एस सुमित्रा आई एन एस सुमित्रा आई एन एस सुमित्रा क्या है आई एन एस सुमित्रा है आपका ऑफ शोर ऑफ शोर पेट्रोलिंग व्हीकल पेट्रोलिंग वेसल ठीक है पेट्रोलिंग के लिए किया जाता यूज होता है इसका आईएनएस सुमित्रा का और आईएनएस त्रिकंड क्या है वॉरशिप है एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी कि वॉरशिप कैटेगरी में आएगा किसमें आएगा वॉरशिप कैटेगरी में ठीक है जी तो ऑप्शन नंबर वन हो गया गलत क्योंकि इसमें बात हुई थी आई तलवार और आई तरकश की इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं चलिए आई तलवार और आई तरकश क्या है दोनों ही भाई हैं आई तलवार भी और आई एन एस तर्कश भी ठीक है जी दोनों ही क्या है आपके तलवार क्लास तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है दोनों ही ठीक है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यह पहला है तलवार तलवार क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और यह जो तर्कश है यह सेकंड है तलवार क्लास का ही तर्कश भी क्या है

ओमान के बीच में होती है एक्सरसाइज जिसका नाम है नसीम अल बहर ठीक है तो स्टेटमेंट नंबर दो भी हो गया आपका गलत तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर ठीक है जी कहां पर हुई है दो फेज़ेस में हुई है ये ठीक है जी दो फेज़ेस में हुई है क्या क्या है दो फेजेज एक तो है आपका हार्बर फेज एक तो है हार्बर फेज और एक है इसका सी फेज ठीक है हार्बर यानी कि जहां पर जो है आपके शिप्स वगैरह खड़े होते हैं ठीक है उसको हार्बर बोला जाता है हार्बर फेज और एक हुआ सी फेज तो दो फेजिस में एक्सरसाइज की गई कहां पर हुई एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज हुई आपकी अम्मा ओमान में ओमान कोस्ट पर ये एक्सरसाइज हुई है ओमान के तट पर हुई है एक्सरसाइज और ओमान की साथ ही साथ कैपिटल की बात करें तो ओमान की कैपिटल है मस्कट ओमान की कैपिटल क्या है मस्कट है ठीक है जी ओमान की कैपिटल है मस्कट और पहली बार ये एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई थी ये एक्सरसाइज पहली बार स्टार्ट की गई थी उन्नीस में इन द ईयर 1993 ठीक है जी 1993 में पहली बार स्टार्ट की गई थी ठीक है जी और ये होती है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में ठीक है जी तो इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान आर एनओ इन के दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहर ठीक है भाई इंपॉर्टेंट न्यूज काफी सारा डेटा मिला बहुत सारी चीजें जानने को मिली ठीक है यही सब चीजें हैं भाई साहब आप एस एस में जाओगे यही सब भी तो बताना होता है वो बत, पूछते हैं आपसे कि भाई शिप्स बता दो नेवी के आपने नाम लिया मुंह से निकला आई एन एस ठीक है अब वो पूछेगा किस टाइप का शिप है ये बताइए कि सर वॉरशिप है और क्या है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ठीक है जी तो भाई देखो आपका क्या लेवल जाएगा जनरल अवेयरनेस का तो वही तो चाहिए इंटरव्यू में और क्या पढ़ना है आपको एस के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना ओनली करंट अफेयर दैट्स इट ठीक है जी तो जल्दी से कीजिए नोट अगर कुछ करना है इसमें आगे बढ़ेंगे फिर हम जल्दी से फटाफट से कीजिए नोट अगर कुछ रह गया है नोट करने के बिना ठीक है भाई टेस्ट लोकेदर बता दूंगा भाई शाम तक बता दूंगा इंग्लिश की क्लास तक ठीक है भाई आई एस श्रीकंड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्वॉट टू एक्सरसाइज हाँ भाई उसमें भी जो है इसने पार्टिसिपेट किया है ठीक है चलिए फिर आगे चले भाई जल्दी से बताइए जी आगे चलें डन ओके भाई चलिए तो ये है आपका इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट भी है यही ठीक है एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2022 तो मिसाइल स्टेल्थ फ्री फ्रिगेट आई एन एस थ्रिकंड ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल आई एन एस सुमित्रा एंड मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डॉर्नियर डॉर्नियर भी था ये डॉर्नियर एयरफोर्स के पास भी है डॉर्नियर इंडियन नेवी के पास भी है पार्टिसिपेटेड इन द दर्टीन एडिशन ऑफ इंडियन नेवी रॉयल नेवी ऑफ ओमान बाईलिटल एक्सरसाइज नसीम अल बहर ठीक है जी और नसीम अल बहर का देखो ए, एक और इंपॉर्टेंट चीज मिल गई ठीक है अखबारों का एक्सट्रैक्ट न्यूज करने का और मेन ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ने का मतलब ही ये है भाई ऐसा भी हो सकता है यूपीएससी के दिमाग का कुछ नहीं पता पूछ ले नसीम अल बहर का नाम क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ट्रांसलेशन क्या है तो क्या नाम है इसका सी ब्रीज सी ब्रीज ठीक है तो याद रखिएगा भाई साहब एक्सरसाइज नसीम अल बहर को क्या बोलते हैं सी ब्रीज बोलते हैं ठीक है जी सर आपका क्लास रीडिंग करके मेरा भाई एस में है वेरी गुड बेस्ट ऑफ लक टू हिम चलिए जी आगे चलते हैं अगला न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिसेंटली इंडिया हैज कैरीड आउट सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ आई आर बी एम अग्नि फ्रॉम ए पीजे अब्दुल कलाम आईलैंड हाल ही में भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से आई आर बी एम अग्नि थ्री का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया है अग्नि थ्री मिसाइल की रेंज चार हजार किलोमीटर है बताइए जी जल्दी से इसका आंसर फटाफट से दीजिए ठीक है अमित सिंह अमित सिंह तेरा कल भी था ना जन्मदिन किसी का था कल चलिए भाई हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार दिन ये आए है ना और एक गाना और भी है ना हम भी अगर बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते है ना चलिए भाई हैप्पी बर्थडे भाई अमित भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की दे जल्दी से आप एनडीए जाएं ठीक है जी चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर ओनली वन ए ओनली वन और कोई ओनली वन खाने को मिलते लड्डू हाँ भाई लड्डू चाहिए चलिए जी भाई क्या बात की गई रिसेंटली इंडिया हैज कैरीड आउट सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ आई आरबीएम मतलब आई बोले तो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट रेंज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएटरी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है जी कैसी रेंज इंटरमीडिएटरी रेंज देखिए और कहां से लॉन्च की गई एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बिल्कुल सही है उड़ीसा कहां पर है ये उड़ीसा में है आपका एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जिसको पहले नाम था व्हीलर क्लब जिसका फॉरमर नाम क्या था फॉर्मर नोन एज व्हीलर आइलैंड ठीक है जी व्हीलर्स आइलैंड ठीक है तो इसका नाम बदल के रख दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहां पर है उड़ीसा में है तो स्टेटमेंट नंबर वन आपका बिल्कुल सही है ठीक है जी दूसरी बात की गई है द रेंज ऑफ अग्नि थ्री मिसाइल इज फोर थाउजेंड किलोमीटर देखिए अब बात की जाती है ना देखो ऐसा क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछेगा कि भाई इसकी रेंज कितनी है ठीक है अब यहां पे मेंशन किया जाएगा मैक्सिमम रेंज कितनी है ठीक है जी कोई बता सकता है मुझे मैक्सिमम रेंज कितनी है क्योंकि अगर देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो चार हजार भी सही है ठीक है जी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से एक से देखा जाए तो चार हजार भी जो है वो सही है ठीक है जी क्यों क्योंकि अग्नि थ्री की जो मिसाइल की रेंज है वो है आपकी तीन हजार किलोमीटर से पांच हजार किलोमीटर तीन हजार किलोमीटर से पांच हजार किलोमीटर तक की रेंज है इसकी अग्नि मिसाइल की तो भाई चार हजार भी इसी बीच आता है कहीं ना कहीं है ना ठीक है तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि तीन हजार से पांच हजार के बीच रेंज होने की वजह से चार हजार किलोमीटर भी हम कंसीडर करेंगे कि भाई इसकी रेंज है हाँ अगर यहां पर लिखा होता मैक्सिमम रेंज है चार हजार तो तब आप गलत कर सकते थे उस सेंटेंस को कि नहीं भाई गलत होगा ठीक है मिनिमम रेंज है इसकी तीन हजार किलोमीटर और मैक्सिमम रेंज ये पांच हजार किलोमीटर तक मार, मारक क्षमता है इसकी अग्नि थ्री मिसाइल की क्या है बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसलिए ऑप्शन टू भी आपका करेक्ट है तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू आर दी राइट आंसर ठीक है जी बोथ वन एंड टू और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ठीक है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया वर्ल्ड को लीड करता है भाई साहब ग्लोबल लीडर है इंडिया मिसाइल सिस्टम में ठीक है हमारी मिसाइल्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ठीक है चलिए जी मंडप में किसकी शादी हो रही है भाई साहब शनि यादव की शादी है शनि कहीं आप साहिल के भाई तो नहीं है शनि शनि क्या आप साहिल के भाई तो नहीं या क्या आप साहिल ही तो नहीं चलिए चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन तो ये देख लीजिए न्यूज आप इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक अग्नि थ्री मिसाइल ठीक है जी और ये डेवलप करी है किसने डेवलप्ड बाय डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जो कि आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है बताएगा कोई कौन है डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत डॉक्टर समीर वी कामत ये हैं आपके चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ चेयरमैन ऑफ डी और डी के डी ओ के आपका नई दिल्ली में नई दिल्ली में है आपके डीआरडीओ के हेडक्वार्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और फॉर्मेशन की गई थी इसकी उन्नीस में उन्नीस में फॉर्मेशन की गई थी डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ठीक है जी तो यह है आपका अग्नि थ्री मिसाइल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी के अलावा अग्नि थ्री जो मिसाइल आप देख रहे हैं यहाँ पर यह 16 मीटर की है टोटल इसकी जो लेंथ है लेंथ है इसकी 16 मीटर 16 मीटर लेंथ है और यह डेढ़ का जो वॉर लोड है जो वॉर लोड है ये कैरी कर सकती है यानी कि डेढ़ टन तक बारूद इसमें डाल सकते हैं हम ठीक है अग्नि थ्री मिसाइल में ठीक है और इसकी लेंथ है सोलह मीटर ठीक है सोलह मीटर इसकी लेंथ है इसी के साथ होमवर्क का एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा इतना सारा डेटा मैंने आपको बताया है तो मैं चाहता हूं आप भी थोड़ी रिसर्च करें इस टॉपिक पर आपको बताना है अग्नि थ्री मिसाइल की स्पीड कितनी है ठीक है जी आपको बताना है स्पीड कितनी है ठीक है जी मैक नंबर बताना है इसका ठीक है भाई कॉलेजियम सिस्टम का वीडियो ठीक है भाई बनाता हूं मैं कॉलेजियम सिस्टम पे ना एक ऐसा बनाता हूं चार पांच मिनट की वीडियो रखते हैं ठीक है करता हूं उसको आज या कल में शूट ओके भाई चलिए जी <laughs> आगे चल सकते हैं शैल बी प्रोसीड जेंटलमैन हाँ जी कडेट्स शैल बी प्रोसीड चलिए जी यार एक बात तो बताओ 56 लोग ऑनलाइन है और ओनली 40 लाइक्स है।, है ना यार ये सही बात नहीं है बताओ यार लाइक like तो कर दिया करो लाइक like करने में कौन सा पैसे जा रहे हैं तुम्हारे पैसे नहीं जा रहे और मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा तुम्हारे लाइक करने से ठीक है पता नहीं फिर भी क्या है <laughs> निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार जीता है जिसकी मेजबानी हर साल वंदे भारत फाउंडेशन द्वारा की जाती है रवि कुमार सागर डॉक्टर मोहम्मद खान दलाई लामा या फिर नन ये इनकी फोटो देख पा रहे होंगे आप इनको मिला है क्या डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार ठीक है जी यंगेस्ट यंगेस्ट एंटरप्रिन्योर है ये यंगेस्ट एंटरप्रिन्योर ठीक है जी कोविड 19 के टाइम में इन्होंने पीपीई किट सैनिटाइजर ठीक है जी पीपीई किट सैनिटाइजर ये मास्क वगैरह इन सब का काम किया था स्टार्ट और मात्र पचास हजार रुपये से काम शुरू किया था मात्र पचास हजार रुपये से काम शुरू किया था और टर्नओवर निकाला था कितना 2 करोड़ का 2 करोड़ का टर्नओवर है ठीक है जी दो करोड़ का टर्नओवर मात्र पचास हजार रुपए से शुरू करा हुआ बिजनेस ठीक है जी मात्र पचास हजार रुपए से शुरू किया गया बिजनेस और कमाई इन्होंने कितने दो करोड़ रुपए का इन्होंने कर दिया क्या टर्नओवर फर्म का नाम है इनकी आरकेएस एस इनो आरकेएस एस आई डबल एन ओ इनो इनो ग्रुप ठीक है जी आर के एस इनो ग्रुप आई डबल एनओ इनो माने इनोवेशन होगा ठीक है जी इनो ग्रुप no तो आर के मतलब रवि कुमार सागर आर के मतलब आर के मतलब रवि कुमार तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है जी तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवि कुमार सागर को ठीक है जी रवि कुमार सागर को ठीक है एकवन मैं खेलता हूं समाज आया एक के फोर्टी सेवन तो भाई साहब या तो देख ए के फोर्टी सेवन या तो नक्सलियों के पास है ठीक है या आतंकवादियों के पास है या उन दोनों के जो अब्बा जान है, है ना? आतंकवादियों के जो अब्बा जान है या उनके पास है, जो है पेरा SF, जी पेरा एस एफ ठीक है पैरा स्पेशल फोर्स तीन जनों के पास है ए के फोर्टी सेवन अब आप बताए आप कौन से में हैं ठीक है आप किस कैटेगरी में आते हैं बताइए चलिए जी डन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे हाल ही में जारी वैश्विक रोजगार विश्वविद्यालय रैंकिंग और सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान दिया है हाँ जी बताइए कौन सा रहा टॉप पर इंस्टीट्यूट इन दी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे में आईआईएससी आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की बताइए जी इसका क्या है आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी बी पक्का चलिए जी देखिए अब ये ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर जो ग्लोबल में रहा है ग्लोबल अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबली जो वर्ल्ड नंबर वन पे रही है वो रही है आपकी एम आई टी मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कहां पर है आपकी कैम्ब्रिज जो है आपकी कैम्ब्रिज यूएसए के अंदर कैम्ब्रिज यूएसए के अंदर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह ग्लोबली नंबर वन पर रही है नंबर वन पर ठीक है जी MIT. इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की अगर टॉप हंड्रेड में बात करें तो इंडिया की टॉप हंड्रेड में है तीन यूनिवर्सिटी नंबर वन पर है उसमें आईआईटी दिल्ली आईआईटी दिल्ली को मिला है अट्ठाइसवा स्थान ट्वेंटी एट रैंक हम बात कर रहे हैं अब इंडिया की तो इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो है आई आई टी डेली अट्ठाईसवीं रैंक पर फिर है आपकी आई आई एस सी बेंगलोर आई आई एस सी बेंगलोर तो आई आई एस सी बैंगलोर है आपकी 58th रैंक, पर, 58th रैंक, पर, 58 रैंक ठीक है और इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे है थर्ड नंबर पे है आपकी आई आई टी बॉम्बे आई आई टी बॉम्बे जो रही आपकी सेवन सेकेंड सेकेंड रैंक पर ठीक है तो टॉप हंड्रेड में तीन भारत की यूनिवर्सिटीज हैं आईआईटी दिल्ली, आईएससी बेंगलोर अट्ठावनवीं रैंक और आईआईटी बॉम्बे बहत्तरवी रैंक तो इसने पूछा क्या था टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सी है तो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी है आपका ऑप्शन नंबर बी आई आई टी डेली इज द राइट आंसर आई आई टी डेली इज द राइट आंसर ठीक है जी आई आई टी डेली ओके भाई मार्कोस कमांडो तो आईआईटी दिल्ली रहा नंबर आ, इंडिया की नंबर वन इंस्टीट्यूट में ठीक है इसके अलावा और बहुत सारी है इसमें इंस्टीट्यूट के नाम हैं हमारे बट वो हंड्रेड से ऊपर हैं सारी रैंकिंग जैसे आई आई है ठीक है जी आई आई है आई अहमदाबाद है ठीक है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं बट तो, जो टॉप हंड्रेड में आई हैं वो इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन पे यानी कि अट्ठाईसवीं रैंक पर दिल्ली अट्ठावनवीं रैंक पर आई एस सी बेंगलोर बहत्तरवीं रैंक पर आई आई टी बॉम्बे और ग्लोबली विश्व की नंबर वन यूनिवर्सिटी रही आपकी एम जो कि कहां पर है कैम्ब्रिज यूएसए के अंदर है या आपकी यूनिवर्सिटी ठीक है भाई गॉट इट नहीं भाई आई मद्रास नहीं है टॉप हंड्रेड में ठीक है आई मद्रास टॉप हंड्रेड में नहीं है ठीक है टॉप हंड्रेड में यही तीन है आपकी आई दिल्ली आई बेंगलुरु और आई बॉम्बे ठीक है डन सो दैट्स ऑल बाकी ये न्यूज आप देख रहे देख सकते हैं सेवन इंडियन यूनिवर्सिटीज इन दी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 ठीक है <laughs> तो द मैसाच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम आई टी सिक्योर द टॉप रैंक इन दिस ईयर रैंकिंग ठीक है और ये फोटो जो दिख रही है आपको यह है आपकी आई आई टी की ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेली की ये फोटो है इसमें जो कि नंबर पे रही कौन से अट्ठाईसवे नंबर पर रही इंडिया की टॉप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी टॉप इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ठीक है जी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे जेंटलमैन बाकी हम मिलेंगे शाम को इंग्लिश के सेशन में ठीक है शाम शाम को इंग्लिश के सेशन में बता दूंगा कि कल क्लास रिविजन की होगी या नहीं होगी ठीक है जी ग्रुप के बारे में आज मैं पक्का बात करता हूँ अगर मैं सर फ्री हुए हैं आज ठीक है शाम तक मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा ठीक है जी मेरा भी अभी बताएं क्या बताएं भाई शनि यादव क्या जानना चाहते हैं आप मुझे हाँ जी शनि हाँ साकेत यार आज क्वेश्चन कम थे है ना बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ठीक अच्छा हो गया ना साकेत आज हाँ जी क्या बोल रहा था शनि शनि भारी लग रहा है तेरे पर शनि बोल क्या रहा था वैसे शनि गायब होते हुए शनि पर ग्रहण लगता हुआ शनि दूसरों की जिंदगी में ग्रहण लगाते हैं बट आज शनि पर ग्रहण लगता हुआ <coughs> करंट अफेयर ज्यादा हो रहा है भाई साहब एक बात तो बता यार हिस्ट्री क्या कम है हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना पॉलिटी, फिर साइंस ये कम है हाँ जी ये कम है क्या और जिसमें कि मुझे पता है मुझे नहीं पता हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं पता ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं पता पॉलिटिक के कितने क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिक के छह सात क्वेश्चन के लिए आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी पॉलिटी की है ना और जब बात आ रही है दस से बारह तेरह क्वेश्चन की जब बात आ रही है चालीस से पचास नंबर के क्वेश्चन की तो करंट अफेयर में आपको आ रहा है कि भाई ये ज्यादा हो रहा है है ना ये तो बताओ उनके लिए टाइम कितना दे रहे हो आप एक घंटे की क्लास लीजिए और आधा घंटा दीजिए बस भाई डेढ़ घंटे पर डे देने से अगर आपके जीएटी में चालीस से पचास नंबर के क्वेश्चन सिक्योर हो रहे हैं उसके अलावा जो हम स्टैटिक कर रहे हैं वो अलग ठीक है <coughs> इसमें जो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो ऐड करते हैं वो अलग ठीक है? है? तो तो है यार एनडीए है कोई पियोन का पेपर तो नहीं है यार है ना नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लास वन ऑफिसर है क्लास वन ऑफिसर है गजेटेड ऑफिसर बनता है सीधा ठीक है क्लास वन ऑफिसर ठीक है छप्पन हजार एक सौ रुपए पहली सैलरी मिलती है ये जब आई एम एम जाओगे ना पास आउट हो एनडीए से तो छप्पन हजार एक सौ रुपए मिलेंगे और लेफ्टिनेंट बनोगे तो लेफ्टिनेंट की सैलरी जो है साठ सत्तर हजार से लेकर डेढ़ लाख तक की होती है साठ सत्तर हजार से लेके डेढ़ लाख तक सैलरी मिल सकती है एक लेफ्टिनेंट को कश्मीर में पोस्टिंग हो गई प्लस एसएफ वगैरह में मिशन में चला गया तो भाई लाख से ऊपर ही सैलरी आएगी लेफ्टिनेंट की तो भाई उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना दिन में पांच घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ने पड़ेंगे पांच छह घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा ठीक है जी तो देना पड़ेगा यार उसके लिए मैथ पढ़ना पड़ेगा साइंस भी पढ़नी पड़ेगी करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा ठीक है भाई इतनी फैसिलिटीज हैं एक पावर है आपके हाथ में ऑफिसर बना रहे हैं आपको मेहनत करने से क्यों डर रहे हो यार आज की मेहनत आपका भविष्य सुधार सकती है ठीक है आज करी हुई मेहनत कोई नहीं पूछेगा कि भाई आज तूने लोगों का क्या है ना लोग मेहनत नहीं देखते किसने कितनी मेहनत करी किसने कितना स्ट्रगल किया लोग जब देखते हैं जब आदमी कुछ बन जाता है ना तब देखते हैं कि भाई वो तो बन गया अबे तुम्हें यह नहीं पता उसने मेहनत कितनी करी है है ना तो बस ये मत देखो कि यार ऑफिसर लेफ्टिनेंट नहीं मेहनत रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप कितनी उसके ऊपर कंधों पे जोर है वो भी करना पड़ेगा भाई काम ठीक है भाई चलिए जी फिर मिलेंगे कल इनफ टॉकिंग जय हिंद जय भारत और एक बार फिर से भारत माता की जय बाय